हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर इफ ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ओ ए बी 50 डिग्री है। ओ ए बी अगर 50 डिग्री है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, सेंटर से जाने वाली लाइन होती है रेडियस, ये भी मेरी रेडियस है और ये भी मेरी कौन है, रेडियस है। तो जो मेरे ट्रायंगल बना हुआ है ओ बी ए, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें मेरी ए ओ और बी ओ दोनों रेडियस इस वजह से इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, हमें दे रखा था तो मेरा एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के। रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक, अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो ये भी मेरा कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, बढ़ाने पर अंदर वाले दोनों एंगल का सम इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल ए ओ सी इक्वल होगा अंदर वाले दोनों के एंगल के सम के इक्वल, इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मेरा एंगल ए ओ सी हो जाएगा 100 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 100 डिग्री। अब यूज़ करेंगे हम थ्योरम 10.8 का। थ्योरम 10.8 ये कहती है कि सेंटर पे बनने वाला जो भी एंगल है ए ओ सी, सेंटर पे मेरा बना ये 100 डिग्री का, तो रिमेनिंग पोर्शन में बनने वाले एंगल का ऑलवेज ये डबल होता है। ठीक है, ये मेरा डी दे रखा है, ये हमारा एक्स है। थ्योरम 10.8 में बताया गया कि जो एंगल ए ओ सी है वो डबल होता है एंगल ए डी सी के, बाय थ्योरम 10.8, जिसमें स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा रिमेनिंग सेगमेंट में बनने वाले एंगल का ऑलवेज डबल होगा। तो हमें ए ओ सी दे रखा 100 और ए डी सी, ये टू मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो मेरा ए डी सी निकल गया आ गया 50 डिग्री। ए डी सी को यहाँ पर दे रखा है एक्स, तो मेरा जो एक्स की वैल्यू आएगी वो जाएगी 50 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोला गया, इन द गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर, ओ मेरा सेंटर है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ओ पी परपेंडिकुलर सी डी पे है, ओ पी परपेंडिकुलर सी डी पे है, जिसकी वजह से ये 90 होगा, ये 90 होगा, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी 6 है और सी डी 8 है, तो डिटरमाइन पी क्यू, तो बताओ पी क्यू की लंबाई कितनी होगी। तो देखो, अगर हम किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, जितना मेरा सी पी होगा उतना मेरा पी डी होगा, जितना मेरा ई क्यू होगा उतना मेरा बी क्यू होगा। ठीक, इसके पीछे रीज़न होता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, जिसकी वजह से जितना मेरा ए क्यू होगा उतना मेरा बी क्यू होगा। हमें ए बी की लंबाई दे रखी है 6, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, दोनों 3-3 हो जाएंगे। ठीक है, रीज़न क्यों होगा, क्योंकि ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे है। इसी तरीके से जितना मेरा सी पी होगा उतना मेरा पी डी हो जाएगा, सी डी दे रखा था 8, तो यानी कि दोनों 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, बिकॉज ओ पी परपेंडिकुलर ऑन सी डी। हमें बताना पी क्यू की लंबाई, तो मैंने ए को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया, ओ को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ये भी मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है। क्वेश्चन में रेडियस दे रखी 5, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी मेरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मेरे पास दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों राइट ट्रायंगल को मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। चलो पहले जितना है और उतना यहाँ कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो दो राइट ट्रायंगल है, पहला राइट ट्रायंगल ओ क्यू ए, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, इसका बेस निकालना, परपेंडिकुलर ये गिवन है मेरा, दूसरा ट्रायंगल मेरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसका नाम ओ सी पी, ये राइट एंगल है, ये पाँच, सी पी, सी पी था मेरा 4 सेंटीमीटर, इसमें ओ पी निकालना है। ठीक, तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए ओ क्यू 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी कि ए ओ, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर ए क्यू, ए ओ दे रखा 5, ओ क्यू निकालना है, ए क्यू 3 सेंटीमीटर है, 5 को 5 से गुणा किया 25, ओ क्यू 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस का 9 ट्रांसपोज होके जाएगा इधर आके माइनस का हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट, माइनस किया 16, 16 का रूट कितना होता है 4, तो यानी कि मेरी ओ क्यू की लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर, ओ क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक अब मुझे निकालना है ओ पी, तो इस वाले ट्रायंगल में लिया मैंने ट्रायंगल सी ओ पी, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी सी ओ का स्क्वायर, ये हमारा बेस हो जाएगा पी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ पी, तो सी ओ जो कि हमें 5 दे रखा है, पी सी 4 दे रखा है, ओ पी ये तो फाइंड करना है, 5 को 5 से गुणा के 25, 4 को 4 से गुणा के 16, प्लस में ओ पी का स्क्वायर, प्लस का इधर एक स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 16, इसके ऊपर स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट, माइनस किया 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो ये मेरी ओ पी की लंबाई भी आ गई, इसके आ गई ओ पी। हमें पूछा गया था पी क्यू, पी क्यू तो इसमें बटा हुआ है ओ क्यू प्लस ओ पी, ये ओ क्यू है और ये ओ पी है, ओ क्यू निकाला 4, ओ पी निकाला 3, तो यानी कि इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी नोट करा हुआ है, बोला गया इन गिवन फिगर ओ इज ए सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ सेंटर दे रखा है, ये रहा सेंटर मेरा, ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी 90 है, बी ओ सी 120 डिग्री है, वट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, हमें बताना है एंगल ए बी सी कितना होगा, ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ये वाला एंगल पूछा गया हमसे। ठीक, इस एंगल को फाइंड करते हैं, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ए ओ बी की जो कि 90 डिग्री है, बी ओ सी जो कि मेरा 120 डिग्री है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी एंगल ए ओ सी की। अब ए ओ सी निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, पूरा एक राउंड जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, अगर 360 में से मैं 90 और 120 दोनों को माइनस कर दूँ इसे और इसे, तो मेरा कौन बच जाएगा एंगल ए ओ सी, 360 दोनों को प्लस किया 210, माइनस किया 360 में से 10 को, तो ये आ गया 150 डिग्री एंगल ए ओ सी। अब यूज़ करेंगे थ्योरम 10.8 का, थ्योरम 10.8 ये कहती है कि अगर आपका सेंटर पे जो भी एंगल बना होगा वो रिमेनिंग सेगमेंट में बने वाले एंगल का डबल होगा। ठीक है, तो यह मेरा अगर कितना है 150 है, ये जो एंगल होता है रिमेनिंग सेगमेंट में बनने वाले एंगल का ऑलवेज डबल होता है, ये स्टेटमेंट 10.8 थ्योरम में लिखी गई है। तो मेरा एंगल ए ओ सी 2 times ऑफ एंगल ए बी सी बाय थ्योरम 10.8, ए ओ सी निकाला मैंने 150 डिग्री 2 times ऑफ एंगल ए बी सी, मल्टीप्लाई में 2 है इसमें आ जाएगा डिवाइड में, 150 में 2 का डिवाइड कितना आ गया 75 डिग्री, एंगल ए बी सी आ गया मेरा 75 डिग्री का। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।